महाराष्ट्र की राजनीति में आई करवट में भी आज अहम दिन है, क्योंकि महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार का आज फ्लोर टेस्ट होना है। सीधे आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी प्रफुल्ल श्रीवास्तव मौजूद हैं और जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से विधानसभा के लिए निकलने वाले हैं तमाम विधायक। बीजेपी के विधायक भी रवाना हो रहे हैं, आज शिंदे सरकार का फ्लोर टेस्ट है। प्रफुल्ल, किस तरीके से फिलहाल तैयारी है? आज महत्वपूर्ण दिन, आज परीक्षा का दिन। बिल्कुल, देखिए आज महत्वपूर्ण दिन है। हालांकि कल ही उन्होंने ये साबित कर दिया था कि उनके पास कितने लोग हैं और कितना समर्थन है, लेकिन आज बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज सरकार को अपना बहुमत साबित करना है। और इसके लिए जो प्रेसिडेंट होटल है, यहाँ पर शिंदे गुट के जो विधायक हैं वो यहाँ रुके हुए हैं, सभी विधायक और कुछ बीजेपी विधायक महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के साथ यहाँ पर रुके हुए हैं। और इस समय जो आप बस ये तस्वीरों में देख रहे हैं, इसी बस में महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल बीजेपी के विधायकों के साथ सवार हो गए हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, आगे की सीट पर चंद्रकांत पाटिल बैठे हुए हैं और उनके साथ जो बीजेपी के विधायक इस होटल में ठहरे हुए थे वो अब बस में सवार हो चुके हैं। हालांकि कल की तरह यहां पर जो पगड़ी पहनी गई थी, जिसे फेटा कहा जाता है यहाँ पे, आज वैसी तस्वीरें नहीं देखने को मिली कि विधायक फेटा पहन के आए हैं, लेकिन जो बीजेपी के विधायक हैं वो सभी इस समय बस में सवार हो चुके हैं। और अब इंतज़ार हो रहा है कि कुछ एकाध दो बीजेपी के विधायक जो अंदर हैं वो भी बाहर आएंगे और यहाँ से निकलेंगे। ये देखिए चंद्रकांत पाटिल इशारा कर रहे हैं, जो बीजेपी विधायक रह गए थे वो अब अंदर चढ़ रहे हैं बस के। तो बीजेपी के जितने विधायक हैं वो इस बस में सवार होंगे और यहाँ से निकलेंगे। और दूसरी एक बस तैयार यहाँ पर की जा रही है, जिसमें एकनाथ शिंदे अपने तमाम समर्थकों के साथ इस जगह से बस में बैठ के रवाना होंगे और करीब 10:15 बजे यहां से निकलने का समय जो है वो तय किया गया है कि यहां से एकनाथ शिंदे अपने विधायकों समर्थक विधायक जो हैं उनके साथ निकलेंगे। तो ये देखिए बीजेपी के विधायक सवार हो चुके हैं बस में, तमाम जितने बीजेपी विधायक इस होटल में ठहरे हुए थे वो बस में आ चुके हैं और अब ये बस जो है यहाँ से सीधे विधानसभा जाएगी। करीब 3.5 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से, जो रास्ता है विधानसभा का वो यहाँ से 3.5 किलोमीटर दूर है और यहाँ से अब सीधे ये लोग विधानसभा जाएंगे। ये तमाम बीजेपी विधायक हैं। अभी इसके बाद जो दूसरी बस होगी उसमें एकनाथ शिंदे गुट के जो विधायक हैं वो इसमें सवार होंगे, वो और खुद एकनाथ शिंदे कल भी जो है वो उस बस में बैठ के गए थे तो वो सवार होंगे। तो तस्वीरें ये आप देख रहे हैं, ये फ्लोर टेस्ट से पहले जो विधायक हैं वो यहाँ से विधानसभा के लिए रवाना हो रहे हैं, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण दिन है इसलिए आज इस यहाँ आने बस में बैठने से पहले अंदर एक बैठक हुई थी जिसमें एकनाथ शिंदे चंद्रकांत पाटिल भी मौजूद थे और विधायकों से बात उन्होंने की है। और अब विधायक जो हैं बीजेपी के वो निकल रहे हैं और कुछ ही देर में इसी जगह से एकनाथ शिंदे गुट के विधायक भी उनके साथ यहाँ से रवाना होंगे। तो तस्वीरें ये आप देख रहे हैं, चंद्रकांत पाटिल अपने तमाम विधायकों के साथ। प्रफुल्ल, आप बने रहे हमारे साथ में, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। पूर्णिया सिटी जानिए ना, पूर्णिया सिटी। हाँ, कोडिया सिटी कहाँ पे? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोडिया सिटी। वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो।
हाय। बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।